यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। विन डिसिपलशिप ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऐसे बहुत से प्रचारकों का यह कहना है कि द गॉस्पेल इज सिंपल बट पावरफुल। इसका मतलब है कि सुसमाचार सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। शायद हम अपने विश्वास को साझा करने से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि यह हम किस तरीके से दूसरे को हमें यह सुसमाचार बताना है। या हो सकता है कि हम सुसमाचार साझा कर रहे हो लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है, और जिन लोगों को हम सुसमाचार बता रहे हैं तो लोग अपने जीवन को प्रतिबद्ध करने से पीछे हटते हैं। तो यह क्यों हो रहा है? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? हाँ मेरे प्रियो, हम सुसमाचार को किसी के हृदय तक पहुंचाने के लिए उसके हृदय को नहीं खोल सकते, लेकिन पिता परमेश्वर यह कर सकता है उसके पवित्र आत्मा द्वारा। तो आइए आज के पाठ क्रमांक 7 और खंड 3 में हम यही सीखेंगे कि हमें सुसमाचार किस पद्धति से लोगों को पहुंचाना है या उन्हें बताना है या साझा करना है। लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे सरों को झुकाएंगे, हृदय को परमेश्वर के हाथों में देंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करती हूँ मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ से मिसेस शोभा डेविड हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करें और उसके पश्चात हम अपना अगला पाठ को हम सीखेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर आपकी सुंदर से नाम के लिए, सुंदर से योजना के लिए। पिता परमेश्वर सुबह से लेकर आप तक आपने हमें रक्षा की है। हर एक मुसीबत से, संकट से, हर एक व्याधि से पिता आपने हमें बचाए रखा। आपके नाम को धन्यवाद देती और महिमा गौरव करती हूँ पिता परमेश्वर। आज के इस विशेष समय के लिए मैं आपसे विनती याचना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने जो हमें आज्ञा दी है, आपने जो जिम्मेवारी हमसे सौंपा है पिता परमेश्वर, उस जिम्मेवारी को पूरा निभाने के लिए प्रभु हर एक महिलाओं को प्रभु पिता परमेश्वर आपने चुन लिया है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस आपकी जो भी सेवा है पिता, आपने जो भी हमें आज्ञा दी है उस आज्ञाओं को मानकर पिता आपकी सेवकाई के लिए हम निरंतर पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए हम आगे और आगे बढ़े और आपके स्तुति महिमा गौरव करने के लिए आप हमारी सहायता करें, मदद करें। विशेष करके प्रार्थना करती हूँ मैडम शांता के लिए। प्रभु जी आपने जो भी उनके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है शिष्य बनाने के लिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आप तक आप उनके साथ रहे। हर एक सभा को प्रभु जी आशीषित किया है, इसके आगे भी प्रभु जी उनके नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हर एक योजना को, हर एक विनंतियों को, याचना को प्रभु जी आप भी पूरा करने वाले, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। कांचन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उस बेटी को भी आपने जो अधिकार दिया है उस अधिकार का वो जो भी प्रभु जी खूब निभा रही है प्रभु जी आप उसकी मदद कीजिए, और आगे लगने वाली जो भी ज्ञान बुद्धि शक्ति है पिता आपके नाम से आपके आशीष से अनुग्रह से वो पूरा कर पाए, और आपने जो आज्ञा दी है प्रभु जी उसे पूरा करने वाली बन सके ऐसा होने दीजिए प्यारे प्रभु जी। फिर से एक बार प्रार्थना करती हूँ हमारे पूरे इस देश को प्रभु आपके सानिधि में लाते हैं। जो भी वायरस चल रहा है प्रभु जी आपके नाम से वो प्रभु जी मिट जाए और प्रभु जी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी विजय हो, आपकी गवाही देने वाली बन सके ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। अभी मैडम जो भी कुछ वचन हमारे लिए लेकर आए प्रभु आप उनकी बुद्धि को ज्ञान को स्पर्श करें ताकि पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों को हम समझ सके और उसके अनुसार चल सके पिता परमेश्वर। हर एक योजना हर एक इच्छा आपके चरणों के पास रखते हुए इस विनंती को मेरा उद्धार करता महान पिता परमेश्वर फिर से आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह जिसके बेटे और प्यारे नाम से मांगते हूँ, सुनो ग्रहण कर मेरे पिता। आमीन। ऑडियो क्रमांक 15 पाठ 7 खंड 3। मैं शांति रावटे आज आपके लिए विन शिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 7 का 3रा खंड प्रस्तुत कर रही हूँ। पाठ का शीर्षक है शिष्या तथा आत्मा जीतना। आज हम सुसमाचार सुनाने की 3 पद्धतियों को सीखेंगे। पहली पद्धत, 5 उंगलियों के द्वारा सुसमाचार सुनाना। सुसमाचार सुनाने की इस सरल पद्धति के लिए किसी विशेष सामान या पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती।
एक हाथ की पांच उंगलियों का उपयोग करते हुए आप उद्धार पाने की योजना समझा सकते हैं। इस पद्धति के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक उंगली पर बोले जाने वाले बाइबल वचनों को आप पहले से याद कर लें। यह पद्धति इतनी व्यावहारिक होती है कि आप सुसमाचार सुनाने के लिए सर्वदा तैयार होते हैं। आपके हाथ तो सर्वदा आपके साथ होते हैं, तो आप अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को बारी बारी पकड़ते हुए इसे बता सकते हैं। आप इस प्रकार जब भी सुनाते हैं, तब आपके उस हाथ की हथेली जिसकी उंगलियों को पकड़कर आप सुसमाचार सुना रहे हैं, वह उस सुनने वाले की ओर दिखनी चाहिए। हम यहां आपको पांच उंगलियों के पांच पॉइंट और हरेक के लिए एक एक बाइबल पद बाइबल वचन बताते हैं। आप एक दो वचन और जोड़ सकते हैं। आप प्रार्थना पूर्वक इन पॉइंट्स को और वचनों को समझाते हुए सुसमाचार सुना सकते हैं। स्थान और समय को देखते हुए और सुनने वाले का ध्यान रखते हुए आप इसे छोटा या कुछ लंबा कर सकते हैं। पांच उंगलियों का क्रम याद रखने के लिए मैं आपको कुछ बताती हूं। जब आप मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, तो आप भी अपने एक हाथ की उंगलियों को अपने दूसरे हाथ से इसी क्रम से पकड़ते जाइए। अंगूठे से आरंभ कीजिए। अंगूठा सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इस पर परमेश्वर के बारे में बताइए। अंगूठे के बाद की उंगली हम हमेशा दूसरों पर दोष लगाने के लिए दिखाते हैं, है ना? तो इस पर पाप के बारे में बताइए। फिर बीच की उंगली, यह पांचों उंगलियों में सबसे ऊंची है, इस पर उसके बारे में बताइए जिसका नाम सबसे ऊंचा है, अर्थात यीशु मसीह के बारे में बताइए। उसके बाद की उंगली वो है जिसमें अक्सर शादी की अंगूठी पहनी जाती है। शादी है दिल का रिश्ता, विश्वास का बंधन, तो इस उंगली पर याद रखिए कि आप यीशु पर विश्वास करने के बारे में बताएंगे। अंतिम छोटी नन्ही उंगली, इस पर बताइए कि हम यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर के बालक अर्थात परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और हमें नया और अनंत जीवन मिलता है। एक बात याद रखिए कि ये सब जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये सब सुसमाचार सुनाते समय नहीं बताना है। ये मैंने आपको पांचों बातों का सही क्रम याद रखने के लिए बताया है बस। तो आइए अब देखते हैं कि आपको सुसमाचार सुनाते हुए इन पांच उंगलियों से कौन सी पांच बातें बतानी है। पहली उंगली अंगूठा, इसे पकड़ते हुए यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है वह वचन बोलिए और समझाइए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। दूसरी उंगली इसको पकड़ते हुए रोमियो 3:23 में जो लिखा है उस वचन को बोलिए और समझाइए कि हम सब ने पाप किया है और हम सबको पाप क्षमा की आवश्यकता है। तीसरी उंगली इसको पकड़ते हुए पहला कुरंथियों 15:3-4 में जो लिखा है उस वचन को बोलिए और समझाइए कि यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए अपने प्राण दिए। यह जरूर बताइएगा कि वह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और आज वह जीवित उद्धार करता है। चौथी उंगली इसको पकड़ते हुए यूहन्ना 1:12 में जो लिखा है उस वचन को बोलिए और समझाइए कि हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा
और हमें यीशु को अपने दिल में ग्रहण करना है। पांचवी उंगली, इसको पकड़ते हुए रोमियो 6:23 में जो लिखा है उस वचन को बोलिए और समझाइए कि जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं और हमें अनंत जीवन मिलता है, हमारा एक नया आत्मिक जीवन शुरू होता है। अंत में सुनने वाले को निर्णय लेने तथा उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रोत्साहित कीजिए। सुसमाचार सुनाने की दूसरी पद्धत, उद्धार का रोमी रास्ता। इस पद्धति को उद्धार का रोमी रास्ता कहते हैं क्योंकि इसमें रोमियों की पुस्तक से ही चार वचनों को पढ़ते हुए सुसमाचार समझाया जाता है। इन चार वचनों को इस क्रम में पढ़ना है और उसकी सहायता से सुसमाचार बताना है। पहला वचन रोमियो 3:23, दूसरा वचन रोमियो 6:23, तीसरा वचन रोमियो 5:8, चौथा वचन रोमियो 10:9। आप जिसे सुसमाचार सुनाएंगे उसके सामने इन वचनों को इसी क्रम से खोलकर पढ़ना है और प्रत्येक वचन पर जो बात कहनी है उसे समझाना है। इस प्रकार रोमियो 3:23 खोलकर पढ़िए और उस पर बताइए कि मनुष्य को पाप क्षमा की आवश्यकता है। समझाइए कि हम पापी इसलिए हैं क्योंकि बाइबल बताती है कि सब मनुष्यों ने पाप किया है। रोमियो 6:23 को खोलकर पढ़िए और उस पर बताइए कि पाप का दंड क्या है। बताइए कि पाप के लिए मिलने वाला यह दंड नरक का दंड है, अनंत काल की मृत्यु है। इसके बाद रोमियो 5:8 खोलकर पढ़िए और उस पर बताइए कि परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा के लिए क्या प्रबंध किया है। इसमें दो बातें बताइए, परमेश्वर के प्रेम को बताइए और यीशु के क्रूस पर के बलिदान को समझाइए जो उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए किया है। यह जरूर बताइए कि यीशु तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा है। अंत में रोमियो 10:9 खोल कर पढ़िए और उस पर बताइए कि हर एक मनुष्य को व्यक्तिगत रीति से अपने पूरे मन से यीशु पर विश्वास करना है और यीशु को प्रभु स्वीकार करना है और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करना है। इस पद्धति के लिए आप एक नया नियम लेकर उसे इस प्रकार तैयार करके रख लीजिए। इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला काम, आप उस नया नियम में इन चारों वचनों को किसी रंगीन पेंसिल से रंग कर दीजिए। दूसरा काम, इन चारों वचनों में से हर एक वचन जहां जहां मिलता है वहां वहां किसी रंगीन कागज के छोटे हिस्से काटकर ऐसे रखिए कि हर एक हिस्से का कुछ भाग आपके उस नए नियम के बाहर निकला हुआ दिखता रहेगा। उस बाहर निकले हुए भाग पर उस नंबर को लिख लीजिए जिस क्रमांक के वचन के लिए आपने उसे रखा है, 1, 2, 3 या 4। इसके लिए आप बुकमार्क के लिए जो स्टिकर मिलते हैं उन्हें भी चिपका सकती है। इससे आपको प्रत्येक वचन के पेज को जल्दी से खोलना सरल हो जाएगा, फिर उस पेज पर आपको रंग किया हुआ वचन एकदम दिख जाएगा कि जिसे आपको पढ़कर उस क्रम पर समझाना है। जिसे आप सुसमाचार सुना रहे होंगे उसके सामने प्रत्येक वचन खोलते हुए वचन को पढ़ते हुए उद्धार की योजना समझाइए।
आप प्रत्येक बात को मन की गहराई से पूरी लगन से बताइए। मन में यह इच्छा और प्रार्थना रखते हुए बताइए कि पवित्र आत्मा सुनने वाले को कायल करे। जब आप चौथा बिंदु बता देते हैं, तब सुनने वाले से यह अनुरोध या विनती करते हुए पूरा कीजिए कि क्या वह मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करना पसंद करेगा या करेगी, या फिर प्रार्थना करनी है यह समझाते हुए आप उससे विदा लीजिए। अब सुसमाचार सुनाने की तीसरी पद्धति, शब्द रहित पुस्तक। इस पुस्तक में पांच रंग के पांच पृष्ठ होते हैं। इस क्रम से होते हैं ये पृष्ठ: पीला, काला, लाल, सफेद और हरा। आप इसे खुद बना सकते हैं। सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रही हूं कि आप पोस्ट कार्ड के आधे साइज के पांच सफेद पेपर लेकर उन्हें दोनों साइड से इन पांच रंगों में रंग कर दीजिए। सफेद वाला सफेद ही रहेगा, बाकी चार रंग कर दीजिए। फिर बताए गए क्रम के अनुसार पीला, काला, लाल, सफेद और हरा, इनको एक एक ओर से सुई धागे से सिल लीजिए या स्टेपलर से पिन करके पुस्तक के समान बना लीजिए। आपकी शब्द रहित पुस्तक तैयार है। इसमें कुछ लिखना नहीं है क्योंकि इसे शब्द रहित पुस्तक कहा गया है। बस आपको एक एक रंग का पृष्ठ दिखाकर अपनी बात समझानी है। याद रखिए कि आप एक एक पृष्ठ को ऐसे मोड़कर दिखाते जाएंगी कि एक समय में वही एक रंग दिखना चाहिए जिसके बारे में आप बता रहे हैं। पीले पृष्ठ से आरंभ करना है। इसे दिखाते हुए परमेश्वर के प्रेम और स्वर्ग के बारे में बताना है। काले पृष्ठ को दिखाते हुए पाप के बारे में बताना है। लाल पृष्ठ को दिखाते हुए यीशु के क्रूस पर के बलिदान को बताना है। यीशु के क्रूस पर बहाए गए लोहों के बारे में बताना है। सफेद पृष्ठ को दिखाते हुए यीशु पर विश्वास करने और पापों से शुद्ध होने की बात को बताना है। हरे पृष्ठ को दिखाते हुए नए आत्मिक जीवन के बारे में बताना है कि इस जीवन में वृद्धि करते जाना है। इस संपूर्ण पुस्तक को पूरे उत्साह के साथ बताइए। यह आपके सुनने वाले के लिए उद्धार का मार्ग बताएगा। चलिए ऐसा समझते हैं कि मैं आपको उस पुस्तक से सुसमाचार सुना रही हूं। फिर आप किसी को सुनाओगे तो ऐसे ही सुनाइएगा, ठीक है? मैं आपको मेरे पास की शब्द रहित पुस्तक दिखाते हुए शुरू करती हूं। देखिए और सुनिए। क्या आपने कभी शब्द रहित या चित्र रहित पुस्तक देखी है? पांच रंगीन पृष्ठों की यह पुस्तक बाइबल से एक अद्भुत समाचार सुनाती है जो उस सच्चे और जीवित परमेश्वर के विषय में है जिसे संपूर्ण जगत की रचना की है। मैं आपको वह सर्वश्रेष्ठ समाचार सुनाती हूं। यह देखिए, यह पीले रंग का पृष्ठ है। यह पीला रंग मुझे सोने की याद दिलाता है और सोने से मुझे स्वर्ग का स्मरण होता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग में नगर की सड़क चोखे सोने की है। स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर हमें बाइबल में अपने निवास स्थान के विषय में, स्वर्ग के विषय में अनेक बातें बताता है, जैसे कि वहां कोई कभी बीमार नहीं होता, कोई कभी मरता नहीं, वहां रात नहीं, वहां हर एक जन सर्वदा के लिए आनंदित ही रहेगा। स्वर्ग की सर्वाधिक अद्भुत बात यह है कि वहां
परमेश्वर पिता है और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है, हम सबको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। और बाइबिल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इसका अर्थ यही हुआ कि हम सबसे परमेश्वर बहुत अधिक प्रेम करता है, बहुत अधिक प्रेम करता है आपसे भी और मुझसे भी। इसलिए कि परमेश्वर ने हमको बनाया और हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके परिवार के सदस्य बन जाएं और भविष्य में एक दिन उसके साथ स्वर्ग में रहने के लिए जाएं, सर्वदा के लिए स्वर्ग में रहने के लिए। स्वर्ग बहुत ही विशेष स्थान है, वह एक सिद्ध स्थान है क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है। परंतु एक बात है जो स्वर्ग में कभी भी नहीं हो सकती, यह काला पृष्ठ देखिए, यह काला रंग उस एक बात को बताता है जो स्वर्ग में कभी भी नहीं हो सकती, वह एक बात पाप है। इसलिए कि हम पापी हैं, हम परमेश्वर की नहीं परंतु अपनी ही इच्छा से चलना चाहते हैं और अपनी ही इच्छा से चलने की चाहत पाप है। गंदी बातें करना या गंदी बातें बोलना या गलत सोचना पाप है। परमेश्वर ने अपनी पुस्तक बाइबल में जो नियम दिए हैं, जो आज्ञाएं दी हैं, उनका पालन न करना पाप है। पाप के कारण हमारे संसार में दुख होता है। हम सब पापी हैं क्योंकि परमेश्वर कहता है सबने पाप किया है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, अलग किए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध रूप से सही और पवित्र है, उसमें कुछ भी पाप नहीं। परमेश्वर जहां है वहां वह पाप को आने नहीं दे सकता। परमेश्वर ने कहा है कि पाप का दंड मिलना आवश्यक है, जरूरी है कि पाप का दंड दिया जाए। पाप का दंड मृत्यु है, अर्थात परमेश्वर से सर्वदा के लिए अलग कर दिया जाना। परमेश्वर जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसे करने से हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। वह जानता था कि हम उसे प्रसन्न करने के योग्य कुछ भी भलाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने ही एक मार्ग तैयार किया है कि हमको पापों की क्षमा मिले। यह लाल रंग का पृष्ठ देखिए, यह लाल रंग परमेश्वर के उस एक मार्ग को दर्शाता है जो हमें पापों की क्षमा देता है। यह लाल रंग यीशु के लहू को बताता है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु ने एक बालक के रूप में जन्म लिया, वह बढ़ता गया और एक मनुष्य बना। यीशु हर उस व्यक्ति से भिन्न था जिसने इस पृथ्वी पर जीवन बिताया है। यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया, वह सिद्ध और पवित्र है। परंतु एक दिन दुष्ट लोगों ने उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा और उसे कीलों के द्वारा क्रूस पर चढ़ा दिया। बाइबल बताती है कि जब वह क्रूस पर चढ़ाया गया तब परमेश्वर ने हम सब के पापों को उसके ऊपर रख दिया। हमारा सब क्रोध, हमारे सारे झूठ और हमारी सारी बुराइयों को, अर्थात हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु पर रख दिया जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। जब यीशु को कीलों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया था तब उसके हाथ और पांव से क्या बहा था? जी हां, लहू बहा था। बाइबल बताती है कि लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं है। हमारे पापों के लिए हमें मिलने वाले दंड को यीशु ने सह लिया। उसने इतना सब कुछ सहा, तब उसने ऊंचे शब्द से कहा, पूरा हुआ।
प्रभु यीशु पृथ्वी पर आया ही था कि हमारे पापों के दंड को सह ले, और उसने उस कार्य को तब पूरा किया जब उसने क्रूस पर अपने प्राण दिए। बाइबिल हमें बताती है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, परंतु 3 दिन के बाद सबसे अधिक अद्भुत घटना घटी थी। परमेश्वर ने उसे, मतलब यीशु मसीह को, मृत्यु में से जीवित कर दिया। परमेश्वर ने मसीह यीशु को मृत्यु में से जीवित किया। यीशु आज जीवित उद्धार करता है। वह हमें हमारे पापों से उद्धार देने के लिए हमारा उद्धार करता बनना चाहता है। अब यह सफेद पृष्ठ देखिए, यह सफेद पृष्ठ मुझे स्मरण दिलाता है कि हम अपने पापों से शुद्ध किए जा सकते हैं। इसके विषय में परमेश्वर ने हमें बाइबल में बताया है कि यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि उसने हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए अपने प्राण दिए, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमको अपनी दृष्टि में शुद्ध करेगा। बाइबिल हमें बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम आज यीशु को बता सकते हैं कि हमने पाप किया है और हम विश्वास करते हैं कि उसने हमें पापों से छुटकारा देने के लिए अपने प्राण दिए हैं। बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो वो मिटाए जाएंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम जो कोई के स्थान पर अपना नाम रख सकते हैं। यदि हम यीशु में विश्वास करते हैं कि वह उद्धार करता है तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। यही वह जीवन है जिसकी हम सबको आवश्यकता है कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जीवन प्राप्त कर सके, सर्वदा के लिए परमेश्वर के साथ रह सके स्वर्ग में। अब यह हरा पृष्ठ देखिए, हरा रंग मुझे उन वस्तुओं का स्मरण दिलाता है जो वृद्धि करती है, जैसे कि पत्तियां, घास और पेड़। यह पृष्ठ मुझे नए जीवन का और अनंत जीवन का भी स्मरण दिलाता है जिसे हम परमेश्वर से पाते हैं जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तब हम परमेश्वर के परिवार में एक नए जन्मे बालक के समान हो जाते हैं। अब परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह में बढ़ते जाएं, इस आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं जो हमने उद्धार के द्वारा पाया है। बाइबिल हमसे कहती है प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाओ। जैसे जैसे हम बाइबल से यीशु मसीह के विषय में अधिकाधिक जानते जाएंगे, हम जान लेंगे कि हमें पाप से कैसे दूर रहना है। हम प्रतिदिन प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यदि कभी हमसे पाप हो भी जाए तो हम तुरंत तुरंत परमेश्वर से अपने पाप की क्षमा मांगे, वह जरूर हमें क्षमा करेगा। हम उस गलत बात को पुनः ना करें इसके लिए हम परमेश्वर से ही सहायता मांगे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो उद्धार के बाद से हम में वास करता है हमारी सहायता करेगा। और इस प्रकार हम अपने नए आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, वृद्धि करते जाएंगे इस हरे रंग के समान। हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए ऐसी व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, मुझे तेरी आवश्यकता है,
मैं मान लेती हूँ कि मैंने पाप किया है और मैं तुझसे अलग हो गई हूँ। मैं अपने सारे पापों से मन फिराती हूँ कि मैं तेरे पीछे चलूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरे लिए अपना प्राण दिया। प्रभु, मेरे पापों की क्षमा कर। मेरे पाप क्षमा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले ले। प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तू मेरी प्रार्थना सुनता है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आमीन। जो व्यक्ति सुसमाचार सुनकर उद्धार पाने की प्रार्थना कर लेता है, उसे प्रतिदिन आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ये सुझाव दीजिए। नंबर एक, परमेश्वर से बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए। नंबर दो, परमेश्वर की बात सुनिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, शिष्यता सीखिए। नंबर तीन, परमेश्वर के लिए बात कीजिए, औरों को उसके विषय में बताइए, औरों को यीशु का सुसमाचार सुनाइए। नंबर चार, परमेश्वर की आराधना कीजिए, कलीसिया की आराधना में जाइए। प्रियो, हमने इस तीसरी पद्धति में सुसमाचार विस्तार से बताया है। हम इसमें बताई गई बातों को दूसरी पद्धतियों में भी उपयोग कर सकते हैं। इस शब्द रहित पुस्तक के हरेक रंग के संदेश को तैयार करने के लिए बाइबल वचनों का ही उपयोग किया गया है। जैसे कि पीले रंग के लिए प्रकाशित वाक्य 21 वचन 4 से 23, यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 14:2। काला रंग के लिए रोमियो 3:23 और रोमियो 6:23। लाल रंग के लिए यशया 53:6, इब्रानियों 9:22, पहला कुरंथियो 15:3-4 और पहला यूहन्ना 1:7। सफेद रंग के लिए भजन संहिता 51:7, यूहन्ना 3:16, प्रेरितों 3:19, प्रेरितों 16:31 और पहला यूहन्ना 1:9 का 9वां वचन। हरा रंग के लिए दूसरा पत्रस 3:18, भजन संहिता 119:11। अंत में हम इन सुझावों की ओर ध्यान दें, जिसे हम सुसमाचार सुना रहे हैं वह व्यक्ति चला जाए इसके पहले हम उसे कोई पर्चा या ट्रैक्ट या नया नियम जरूर दें। नंबर दो, उसके लिए प्रार्थना कीजिए अगर वो सहमत है तो। नंबर तीन, आगे संपर्क बनाए रखने के लिए उससे अनुरोध कीजिए कि वह अपना नाम और पता आपको दे। तो आइए हम सब इस बात में परिश्रम करते रहे कि बहुतों को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास लाएंगे उसका सुसमाचार सुनाने के द्वारा, और यदि वो विश्वास कर लेते हैं तो उन्हें उसके शिष्य बनना सिखाएंगे। आमीन। आज हमने सुसमाचार के पद्धति के बारे में सीखा है। मैं आपके सामने 5 उंगलियों द्वारा सुसमाचार कैसे बताना है यह आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हम सब ने पाप किया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसे ग्रहण करने से आपको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलेगा और आप अनंत जीवन के वारिस हो पाएंगे। है ना, कितना सरल है सुसमाचार बताना। और जिस पद्धति से हमने सीखा है, अगर यह हम सीखेंगे तो निश्चय ही प्रभु का कार्य हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे। सुसमाचार हमें सिर्फ सीखना नहीं है,
किस प्रकार से बताना है, लेकिन यह हमें सिखाना भी जरूरी है। यह हम हमारे घर के लोगों को भी सिखा सकते हैं, जो हमारे घर के बच्चे हैं उन्हें भी हम यह पांच उंगलियों का सुसमाचार, यह जो अन्य सुसमाचार के प्रकार है, यह हम सिखा सकते हैं, लेकिन उम्र के अनुसार हमें उन्हें बताना चाहिए। शिष्यता की कोई उम्र नहीं होती है, और इसीलिए और हम यह समझ में आ रहा है कि मुक्ति पाने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती, तो सुसमाचार सुनाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। आइए हम अपने मनों की तैयारी करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें यह सीखने के लिए सहायता और मदद करे। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज आपने हमें आपकी सेविका द्वारा सुसमाचार बताने की पद्धति बताई है, इसको हम सीखे और प्रयोग में लाए हमारे प्रतिदिन के जीवन में। और जैसे हमें पाप क्षमा की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे अन्य भाई बहन हैं, उन्हें भी पाप क्षमा चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा आपका सुसमाचार उन तक पहुंचाए, इसलिए आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। सहायता कीजिए पिता परमेश्वर कि जो कुछ भी हम सीखते हैं उसे हम ग्रहण कर पाए और कुछ भी हम ना भूले पिता परमेश्वर। कुछ पलों के लिए हम आपके सेवक बने पिता परमेश्वर, और बाद में हम भूल जाए इस संसार और संसार की अभिलाषाओं में पिता, आपके वचन को भूलने ना पाए, ऐसा तो होने दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आगे का सब समय आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। ये छोटी सी विनती हमारे तारणकर्ता और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो, आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आमच्या ऋणासून सोडले आहे तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेतून नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडो, कारण की राज्य सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमेन। तो मिलते है आने वाले शुक्रवार को इसी समय इसी चैनल पर, यानी कि मेथोडिस्ट चर्च यूट्यूब चैनल पर। तब तक यह जो तीन पद्धतियां हमने सुसमाचार के बारे में सीखा है, इन पद्धतियों को हम अपने कार्य में लाए प्रतिदिन के जीवन में, और क्यों ना इस कार्य को हम अपने घर से ही शुरू करें और घर के लोगों को भी हम ये सिखाए, उनके उम्र को अंदाजे रखते हुए या समझते हुए उन्हें सिखाए ये सुसमाचार कैसे बताना है, और क्यों ना हम दूसरों को भी यह सुसमाचार का जो अध्ययन हम पढ़ रहे हैं यह भी उनके साथ में सीख रहे हैं, उनके साथ में हम शेयर करें और उनको भी सुनने के लिए हम प्रोत्साहन करें। प्रभु परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।